सबको मिलेगा, टेंशन मत करो। सबको मिलेगा, एक भी हमका क्या सब नहीं मिलेगा। जो आया है देना ही पड़ेगा ना। आप लोग कंटेनमेंट जोन में भी है और काफी दिक्कत हुआ होगा शायद मैनेज करने के लिए। और ये किस तरह से आप मैनेज करके क्या हिसाब से आप दे रहे हैं? नहीं, ऐसा है, ये काफी मार्च 24 से लॉकडाउन चल रहा है ना, तो तकरीबन आपका 4 महीना से लॉकडाउन है। और अभी हमारा सेक्टर जो है कंटेनमेंट जोन में डिक्लेयर हो गया। लॉकडाउन में तो कहीं हद तक थोड़ा सा ढीला रहता है कि गरीब लोग बाहर जाके थोड़ा सा रोजी रोटी कमाई कर सकता है, पर लोग कंटेनमेंट जोन में बिल्कुल ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है, ऐसे प्रॉब्लम है। तो 4 महीना से जो भी मैं सका, मेरा तरफ से मैंने जो भी सका इंडिविजुअल हेल्प किया। आप देखते हैं कंटेनमेंट जोन में और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना एक वन टाइम जो मैं एक जो भी मेरा से बन सका मैंने मैनेज किया, बहुत तकलीफ से मैनेज किया। और इसके माध्यम से मैं एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार अपील करना चाहूँगा कि जो रेट जिस तरह का जो लगाते हैं बाय डबल में, फिर भी हमको करीब के अभी मेरा जो 270 का जो गरीब है, मैंने अनुमान लगाया था 30-40 के आसपास, पर अभी यहाँ पे लगता है कि 200 से प्लस हो गया। फिर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी काली हाथ ना जाए, एक नंबर। दूसरा नंबर कि ये जो सेवा में दिखावत के लिए नहीं है, कोई फेमस के लिए नहीं है, ये एक प्रेरणा है, यानी कि इंस्पायरेशन। इतना 5-6 महीना से कोई भी ऐसे आगे नहीं आया, ताकि मेरे ये आगे आने वाला को देखकर, मेरा ये करियर को देखकर मेरे भी कोई और साथी लोग आए और गरीबों को हर सेक्टर में एक एक अगर ऐसा हेल्प करने लगे तो हमारा गवर्नमेंट को भी एक तरह से सहयोग मिलेगा, है ना, और मदद मिलेगा, गरीबों को दो रोटी मिलेगा। आज मैंने जो कुछ ये 5 प्रकार का अनाज दिया है, जो भी सका है, मैंने 5 किलो चावल दिया हूँ, उसके बाद में एमोल दिया हूँ 1.5 लीटर, उसके बाद आलू दिया हूँ, उसके बाद नमक दिया हूँ, उसके बाद दाल दिया हूँ। 5 आइटम कम से कम 2 परिवार जो 3 या 4 दिन खा सकता है। मैंने मेरे तरफ से जो भी है अपना ओन पॉकेट से विदाउट आस्किंग इवन ए सिंगल मनी फ्रॉम अदर्स, ये बार बार मैं बोला हूँ, मैं कोई फेमस नहीं करना, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता ना कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंस्पायरेशन प्रेरणा देना है, ताकि मेरा साथी लोग, हम तो कुछ नहीं, हम तो जस्ट आई एम सिंपल स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़े लोग हैं कि हर एक सेक्टर को एक एक दो आदमी अगर इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, मैं आपका माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि हर एक आदमी हर सेक्टर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रहेगा तो हमारा जो लेबर वेजेस है, डेली वेजेस लेबर से, रोड साइड में जो लोकल वेजिटेबल्स वेंडर्स बेचता है, तेला रिक्शा वाला है, कोई भूखा नहीं मरेगा। कितने लोग मेरे को आया कि आया सर, मेरा सर आज का रात के लिए खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूखा है। तो ऐसे करके अभी तो कंटेनमेंट में और पड़ गया। और मैं अपील करता हूँ मेरा सप्ताह में भी और कोई भी होने से, नेक्स्ट सप्ताह कोई करे, आज जो मैंने दिया वो तो कम से कम 1 सप्ताह चलेगा, फिर 1 सप्ताह उनको खाने के लिए फिर कहीं दौर के ना आना पड़े। तो स्पेशली वही है, मैं आपका माध्यम से मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ, कोई फेमस कोई मुझे बिल्कुल नहीं बनना, मैं सिर्फ वही काफ़ी दिनों से मैंने काफ़ी हमारे ऑनरेबल सिंह साहब को भी अपील किया, DC को भी, SP को भी, कि लॉकडाउन अगर कंटेनमेंट तो हमारे यहाँ सिर्फ 2 या 3 पॉजिटिव है, पर्टिकुलर बिल्डिंग को सील करके बाकी को कम से कम थोड़ा छूट देने से, ताकि गरीब लोग का रोजी रोटी कम से कम कुछ तो हो। ये कंटेनमेंट जोन बिल्कुल, ये तो ना आप आने देते हो ना जाने देते हो, आप बताइए तो मरना ही है। तो ये आपके माध्यम से ये हाथ जोड़ के गरीबों के लिए बिनती, हम तो जैसे भी भाई अभी प्याज बताइए आप 40 रुपया वाला 150 रुपया में बेच रहा है, अभी जो मैंने जो आप बताइए चावल जो एक क्विंटल जो है 8,000 वाला मैंने 12,000 में खरीद के किया, आप सोच के देखिए। और दाल जो आपने रेट बनाया 70 रुपया का, इन्होंने 150-200 में सेल किया, फिर भी मैंने मैनेज किया, जो उसके लिए मुझे कोई माइंड नहीं है। मैं आपका माध्यम से मेरा जो FNG सेक्टर जो है, हम वार्ड 16 में पड़ता है काउंसिलर IMC का, तो आपके गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DMO का हिसाब का मुताबिक से कि वार्ड वाइज में उन्होंने कंटेनमेंट जोन बनाया, तो हमने अपील भी किया था कि जिस सेक्टर में थोड़ा कम है, जिस बिल्डिंग में 1-2 है, उनको सील करके बाकी को छूट दिया जाए, पर वो नहीं है। लॉकडाउन तो आज 3 तारीख तक हमारा है,
उसके बाद कंटेनमेंट जोन में मेरा लोग से भी मैं यही अपील करता हूं कि इसको बिल्कुल माने, इसका विरोध ना करे। गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जो हमारा फ्रंटलाइन वर्कर जो भी हमारे लिए काम कर रहा है वो हमारा अच्छा के लिए कर रहा है, हमारा गलत के लिए नहीं है वो, हम उसका विरोध नहीं है। लेकिन इतना है कि थोड़ा सा ऐसा ना हो कि इस तो छोटा सा चीज नेग्लिजेंस वो सारा सब मतलब कम्युनिटी को बर्बाद ना हो। तो इसलिए इस माध्यम से मैं भी अपना वार्ड का जितना जो मेरे 16 वार्ड में मैं FNG सेक्टर का आज रिक्स लेके मैंने रिलीफ बताऊं अपने पकेट से, तो काफ़ी दूसरा वार्ड का भी यही अगर अपनाए तो अच्छा है। बार बार आपका माध्यम से ये मैं अनुरोध करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करना है, स्टेट पुलिस को कोऑपरेट करना है, फ्रंटलाइन नर्स एंड डॉक्टर्स को कोऑपरेट करना है, और गवर्नमेंट से एक अपील करता हूँ कि इस फ्रंटलाइन वर्कर्स और उसके बाद में स्पेशली पुलिस फोर्स को अच्छी से अच्छी उनको सुविधा मिलना चाहिए, अच्छी से अच्छी सुविधा खाने पीने का मिलना चाहिए, यही है। और सुनने में इतना आ रहा है कि थोड़ा सा स्टेट क्वारंटाइन सेंटर में खाना पीना का प्रॉब्लम चल रहा है बोल रहा है, तो शायद स्टेट भी कितना मैनेज कर पाएगा। तो इसलिए हर नागरिक अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फील महसूस करके ये सेवा करने लगेगा ना। आपका माध्यम से मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत है हमारा अरुणाचल गरीब नहीं है। आप ज़्यादा तक जहाँ देखिए मेरा ट्राइबल तो यहाँ अभी आपने खुद देखा है हार्डली 20% आया, 80% तो नॉन ट्राइबल लोग हैं, फिर भी हमने डिस्टिंग्विश नहीं किया, जो भी आया मैंने दिया हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि कोऑपरेशन करना है, कंटेनमेंट हमारा अच्छा के लिए करता है बल्कि हमारा बुरा के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है।